हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज एंगल्स टू बी ईच अदर इन रेशियो 1:2:3। ये कह रहा है कि उन सभी त्रिभुज के तीनों कोणों को डिग्री और रेडियन में लिखिए जब वो कितने के रेशियो में हो, वो हो 1:2:3। इफ वन एंगल इज एक्स देन सेकेंड 2x एंड थर्ड 3x। इसी तरह से होंगे ना 1:2:3 में, तो x 2x लेने से लेट वन एंगल इज एक्स, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ए एक्स, देन x रेशियो 2x एंड रेशियो 3x। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, सो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180, 6x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। x का मान कितना 30, x का मान 30 है, एक एंगल तो 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डिग्री में लिख दिया, अब ये कह रहा है डिग्री में भी और रेडियन में भी। इसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में किस तरह से, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था रेडियन को किस तरह से चेंज करते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180, चेंज करो रेडियन में 30 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना, जो फार्मूला था अपना 30 × π/180, ऐसे ही तो था ना, 1 डिग्री = π/180 रेडियन। सो 30 डिग्री 30 × π/180, 6 means π/6। तो ये जो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हुआ π/6। इसी तरह से 60 को कन्वर्ट करेंगे तो 60 × π/180 मीन्स पाई बाई 3। तो ये तो हुआ पाई बाई 6, ये हुआ पाई बाई 3। 90 को चेंज करेंगे तो 90 × π/180 पाई बाई टू। 30, 60, 90 और रेडियन में कितना आया π/6, π/2, π/3। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 6 का। सेकेंड पार्ट है, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 80 डिग्री, फाइंड 3 एंगल्स इन रेडियन। ये कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोण हमारे एपी में है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था एपी कब होती है, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो वो एपी होती है। ये कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोण एपी में है, एपी में है इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, और उनमें से बड़े वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि तीनों एंगल्स को रेडियन में लिखिए। अगर वो एपी में है तो इस तरह से होंगे ना, एपी तो इस तरह से थी ए प्लस डी ए प्लस 2d, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए माइनस डी ए ए प्लस डी। एपी का मतलब यही हुआ, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। तो तीनों कोण जो हैं अगर वो एपी में हैं तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, ए माइनस डी ए ए प्लस डी। ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 80 डिग्री मींस जो ए प्लस डी है यही है ना सबसे बड़ा, तो ए प्लस डी जो है वो 80 डिग्री है, तो तीनों को रेडियन में लिखना है। अब देखो तीनों कोण जो है वो 180 डिग्री के हो गया ना, 180 डिग्री के। तो डी से ये डी कैंसिल, ए प्लस ए प्लस ए 3a 180, ए मीन्स 60 डिग्री, ए 60 डिग्री है, एंड वन ऑफ देम इज ए प्लस डी का वैल्यू कितना है, ये बड़े वाला है ना ए प्लस डी, इसका वैल्यू कितना है 80 डिग्री। तो हमें तीनों कोण निकाल लें। देखो अगर उसमें से a प्लस डी है, ये जैसे
180 माइनस 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 तो एक वैल्यू आ गई अपने पास, कितना है ये 180 माइनस 140 कितना आया 40 डिग्री, कितना आया 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री आया। तो कौन कौन से एंगल हुए अपने पास, 40 और एक 180 60 हो रही है, कितना 140 ना, 40 ही बचा। तो कितने कितने एंगल आए अपने पास, एंगल आए 40 डिग्री है एक तो, और एक कितना है 80 डिग्री, और एक कितना है 60 डिग्री, एक कितना है 60 डिग्री, मींस ए का मान तो 60 है ना, और ये क्या है ये 80 डिग्री है, ये कितना है 80 डिग्री है। तो दूसरा तो एक हमने निकाल दिया 40, कितना 40 डिग्री, सबसे छोटे वाला एंगल तो 40 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 80 डिग्री। अब इनको लिखना है रेडियन में, किसमें लिखना है रेडियन में, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 मींस पाई बाई 180 इंटू 40 दो पाई बटा 9 रेडियन, दो पाई बटा 9 रेडियन। अब 60 को लिखेंगे, 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3 रेडियन, 80 को लिखेंगे 80 इंटू पाई बाई 180 चार पाई बटा 9 रेडियन। तो जो इसके तीनों एंगल थे हमारे, जिसमें एक एंगल जो बड़े वाला एंगल था वो 80 डिग्री था, उसके तीनों एंगल रेडियन में हमने लिख दिए। 40 तो आया 2 पाई बाई 9 रेडियन, 60 आया पाई बाई 3 रेडियन, और जो 80 है वो आया अपने पास 4 पाई बाई 9 रेडियन। 6 का सेकेंड क्वेश्चन था ये। थर्ड में कह रहा है एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी एंड वन ऑफ हूज इज 36 डिग्री, वन ऑफ हूज इज 36 डिग्री, फाइंड एंगल्स इन रेडियन। एपी में है, एपी में है तो ए माइनस ए डी और ए ए प्लस डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी कितना हुआ 180 डिग्री, डी से डी कटा ए का मान फिर कितना आया 60, एंड वन ऑफ देम इज उसमें देखो 80 डिग्री था ना, इसमें कितना है 36। तो कैसे निकालेंगे हम, 180 माइनस 60 प्लस 36 डिग्री, कितना बचा ये 180 माइनस 96 कितना आया 44 डिग्री ना, नहीं 84 डिग्री, कितना आया 84 डिग्री, 84 डिग्री आया, एंड वन ऑफ देम इज 36 डिग्री। एक तो 84 आ गया, एक 36 है, एपी में है तो एक और एंगल 180 में से दोनों को घटा के भी लिख सकते हैं, 10 11 और एक 12, एक और क्या बचा 60। तो मींस अब की बार तीनों एंगल कितने आए, एक तो एंगल आया अपना 36, एक आया 60 डिग्री, एक आया 84 डिग्री। अब इसको किसमें लिखना है, इसको लिखना है रेडियन में, किसमें लिखना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे 36 इंटू पाई बाई 180 6 6 30, तो कितना है ये पाई बटा 5 रेडियन, 60 तो पाई बाई 3 पिछले में भी निकाला था पाई बाई 3, 84 इंटू पाई बाई 180 कट रहे हैं ना ये 12 से कट रहे हैं, 12 सात 84, 12 एक 12, 12 5 60, 7 पाई बटा 15 रेडियन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर